हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मिडिवल हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। मिडिवल हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। इसके पहले वाले क्लासेस में हम लोगों ने जो है एशियन सिविलाइजेशन या एशियन हिस्ट्री में पढ़ा था। एशियन इंडिया के अंडर हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वेरियस क्लासेस में। तो आज से हम लोग जो है शुरुआत करेंगे मिडिवल इंडिया या मिडिवल हिस्ट्री भी कह सकते हैं, मिडिवल हिस्ट्री भी कहते हैं, ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री भी कह सकते हैं इस चीजों को। तो हम देखेंगे कि मिडिवल हिस्ट्री में हम क्या कवर करते हैं, मिडिवल हिस्ट्री में हम कहां कहां से क्या क्या चीजें देखते हैं। तो मिडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत हमारे जो है पूरे सिलेबस में कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन कौन से पॉइंटों पे हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशंस रहेगा इस पूरे पार्ट में, क्योंकि इंडिया को हम हिस्ट्री को हम जो है ब्रॉडली जो है तीन पार्ट में डिवाइड किए थे शुरुआत में। तो एक एशियंट इंडिया था या एशियंट हिस्ट्री, तो मिडिवल इंडिया या मिडिवल हिस्ट्री, या फिर मॉडर्न। तो हम लोगों ने ये देखा था कि गुप्ता साम्राज्य के बाद जो है फिर काफी सातवाहन वगैरह भी छोटे छोटे साम्राज्य उसमें हो गए थे, सातवाहन हो गए थे। फिर साउथ इंडिया में हम लोगों ने पाल तक थोड़ा सा डिस्कस किया था। फिर उधर वेस्ट बंगाल वाला केस भी, उड़ीसा वाला भी केस हम लोगों ने सारे डिस्कस किए थे। तो मिडिवल इंडिया उन सब के बाद शुरू हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा था चोल साउथ की जो डायनेस्टी थी, चोल थी, उन सब के बारे में था। तो साउथ में हम लोगों ने देखा था। तो कहने का मतलब है कि उस समय एशियंट में हम लोगों ने जो है भारत के सारे भागों में कौन कौन सी डायनेस्टियां टाइम टू टाइम आई, वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया था कि सिविलाइजेशन जो हमारा था एशियन सिविलाइजेशन, जिसको स्टोन एज सिविलाइजेशन था, फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन या आयरन एज सिविलाइजेशन आया, उसके पहले ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था, तो फिर आपका महाजनपद आया, बुद्ध और जैन के बारे में पढ़ा, मौर्य के बारे में पढ़ा, फिर मौर्य के बाद कई छोटे छोटे साम्राज्य आए, मौर्य साम्राज्य टूटने के बाद। फिर उसके बाद हमने देखा कि मौर्य के बाद फिर एक बड़ा साम्राज्य आया, गुप्ता पीरियड आया। गुप्ता पीरियड में काफी चीजें देखने को मिली। गुप्ता पीरियड खत्म होने के बाद फिर से भारत में छोटे छोटे साम्राज्य आ गए। तो हम लोगों ने पूरे भारत के सारे क्षेत्रों के बारे में देखा, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारा गुप्ता के बाद जो है हमारे देश में फिर से गुप्ता साम्राज्य के बाद देश के हर अनेक भागों में छोटे छोटे राज्य बस गए थे। पश्चिम क्षेत्र में, पूरब क्षेत्र में, दक्षिण और मिडिल क्षेत्र में, सारे क्षेत्रों में छोटे छोटे राज्य हो गए थे। उसके बाद फिर नया डेवलपमेंट हुआ गुप्ता पीरियड के बाद जो है, उधर वेस्ट एशिया में कुछ विश्व के दूसरे क्षेत्रों में भी कुछ नया हलचल देखने को मिला। इसमें सबसे बड़ा हलचल थी इस्लाम का उदय, राइजेस ऑफ इस्लाम, इस्लाम धर्म का उदय हुआ। इस्लाम धर्म का उदय हुआ 700 ईसा पूर्व के आसपास में, 600-700 ईसा पूर्व के आसपास में इस्लाम का उदय। इस्लाम के उदय ने जो है पूरे विश्व में कई परिवर्तन लाए और उसका प्रभाव जो है हमारे देश के ऊपर भी पड़ा, हमारे देश में भी इस्लाम का फैलाव हुआ। तो मिडिल में मेनली हम लोग ज्यादातर इस्लाम के बाद जो है भारत की तस्वीर कैसी बदली, तो इस्लाम का जो विस्तार हुआ, तो मिडिल में हम ज्यादातर इस्लाम के विस्तार को ही देखते हैं। तो मिडिल इंडिया में ज्यादातर मोस्ट ऑफ पीरियड जो है इस्लाम के देखते हैं। फिर उधर राजपूत, शुरुआत में राजपूत राजा आए थे गुप्ता वगैरह के बाद, जो हूण वगैरह आए थे, विदेशी इन्वेडर जो हूण वगैरह आए थे, ठीक है। तो हूण वगैरह और कई आदिम जातियां जो है विदेशी जातियां आई थी इंडिया में आके बसी थी, फिर यहीं की हो गई, यहीं की हो गई, तो उन्हीं को
जनरली राजपूत कहा गया, जो विदेशी जातियां इंडिया में आके बस गई तो राजपूत था। फिर राजपूतों के बाद जो है इस्लाम आया, तो इस्लाम से और राजपूतों में काफी लड़ाइयां हुई, तो लड़ाइयों के बाद इस्लाम ने इंडिया के बहुत बड़े भाग पे जो है कब्जा कर लिया, या कह सकते हैं लगभग पूरा भारत ही इस्लाम के अंडर में आ गया था, इस्लाम के राजा होने लगे थे। साउथ के कुछ पार्ट रह गए थे लेकिन इस्लाम का इन्फ्लुएंस पूरे देश में हुआ। तो यही मीडियम में जो है हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि इस्लाम का उदय हुआ तो कौन कौन से सबसे पहले इस भारत में किसने कौन आया, उसके बाद कौन आया, तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो इस्लाम के उदय में ये सारी चीजें देखेंगे। तो साउथ में हम लोगों ने चोल डायनेस्टी देखा था, तो लास्ट क्लास में, तो चोल डायनेस्टी में हम लोगों ने, तो यही है कि सिचुएशन ऑफ नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अरब इन्वेजन, ये क्या मतलब है कि इंडिया की क्या स्थिति थी जो अरबों का भारत में जो है आक्रमण हुआ, अरब इन्वेजन हुआ, इन्वेजन मतलब आक्रमण हुआ। तो सिचुएशन ऑफ नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अरब इन्वेजन, तो नॉर्थ इंडिया में उत्तर भारत की क्या स्थिति जब अरबों ने अटैक किया। फिर अरब कंक्वेस्ट ऑफ सिंध, अरबों ने कंक्वेस्ट मतलब विजय प्राप्त की, अरबों ने जो सिंध पर विजय प्राप्त की उसके बारे में देखेंगे क्या हुआ। फिर मोहम्मद गोरी के बारे में डिस्कस करेंगे, मोहम्मद इसके पहले मोहम्मद कासिम आया था, फिर बाद में मोहम्मद गोरी आया। मोहम्मद गोरी के जाने के बाद इंडिया में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, दिल्ली सल्तनत जिसमें गुलाम वंश जिसको कहा जाता था, गुलाम डायनेस्टी थी, गुलाम डायनेस्टी कई सौ साल तक रही। उसके बाद फिर मुगल डायनेस्टी आई, काफी बड़ी डायनेस्टी थी। तो भारत का एक दिल्ली सल्तनत के अंदर भी भारत का काफी एकीकरण हुआ, भारत एक ही राजा के अंडर में आया। उसके बाद फिर मुगल आए, मुगल का बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो भारत एक मुगलों के अंडर में भी फिर से एक सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर में आया। तो मुगल जब गए या मुगल का जब पतन हुआ तो भारत फिर छोटे छोटे प्रोविंस में बंटने लगा। फिर उनके बाद जो है फिर जो है अंग्रेज आए, तो हम लोग मॉडर्न पे जो है अंग्रेज का भारत पे जो उदय हुआ है अंग्रेज आए। तो कहने का मतलब बड़े बड़े साम्राज्य जो हुए एशियन में, दो बड़े साम्राज्य थे, एक मौर्य साम्राज्य, उसके बाद गुप्ता, फिर बाद में जो है गुप्ता के बाद जो है वही क्या कहते हैं हर्ष का जो साम्राज्य था उसके अंदर भी थोड़ा सा, और कह सकते हैं हर्ष के अंदर भी भारत का एक काफी बड़ा भूभाग एक सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर आया था। सेंट्रल अथॉरिटी मतलब एक केंद्रीय सत्ता जो दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में बैठती थी, और वहां से पहले मगध सत्ता हुआ करती थी, फिर बाद में पृथ्वीराज हर्ष के समय कन्नौज भारत की केंद्रीय पार्ट में रहा, फिर बाद में जब ये मुगल आए या सॉरी कह सकते अरब आए तो पूरे भारत का केंद्र जो है दिल्ली हो गया, दिल्ली से पूरे भारत को रूल किया जाने लगा। उसके बाद फिर बाद में जो है फिर अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने पहले कलकत्ता उनकी राजधानी हुआ करती थी, फिर बाद में दिल्ली सेंट्रल पार्ट हुआ, फिर भारत आजाद हुआ। तो कहने का मतलब हम पूरे हिस्ट्री को जो है तीन पार्ट में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने एशियन में पढ़ा था, तो एशियन में हम लोग तीन दो बड़े बड़े साम्राज्यों के बारे में पढ़ा, इसमें भी हम दो मेन बड़े साम्राज्य पढ़ेंगे, एक दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, दूसरा मुगल सल्तनत पढ़ेंगे। लेकिन दिल्ली सल्तनत तक पहुंचने से पहले भारत की क्या स्थिति थी, दिल्ली सल्तनत से पहुंचने के लिए भारत की क्या स्थिति थी, फिर दिल्ली सल्तनत से फिर मुगल सल्तनत तक किस तरह इंडिया कन्वर्ट हुआ, फिर मुगल सल्तनत के बाद भारत की स्थिति क्या हुई। तो कुल मिला के इसको भी हम तीन पार्ट में डिस्कस करते हैं कि दिल्ली सल्तनत आने से पहले इंडिया की स्थिति क्या थी। तो हमारा सेंटर ऑफ डिस्कशन यहाँ पे है दो, और ये हमारा ये फर्स्ट पार्ट डिस्कशन हुआ, ये हमारा सेकेंड पार्ट डिस्कशन हुआ, ये हमारा थर्ड पार्ट डिस्कशन हुआ। इसके बाद हम अगर इसको लेते हैं तो ये चार पार्ट कर सकते हैं कि मुगल के बाद भारत की स्थिति क्या हुई, क्या ऐसे कारण थे जिसके कारण अंग्रेजों ने जो है भारत में सत्ता स्थापित की। तो यही चीजें हम यहां पर भी पूछ सकते हैं कि अंग्रेजों से पहले भी इंडिया में
मुगल साम्राज्य क्यों भारत में सफल हो गया, मुगल साम्राज्य क्यों सफल हुआ है, भारत की ऐसी उस समय क्या स्थित हो गई थी जिसके कारण बाहरी ताकतें यहां पर आई और यहां पर कई सौ सालों तक जो है भारत को गुलाम बना के रखा, या कह सकते हैं कि यहाँ पे लोकल लोगों के जगह जो है दूसरे लोग आए और यहाँ पे लोगों पे शासन किया और यहाँ के आचार विचार धर्म को काफी परिवर्तित किया, तो ऐसे क्या कारण थे? तो ये पूरा एक ट्रांजिशन पीरियड था मुगल से और एशियन सिविलाइजेशन में काफी बदलाव आया। इस्लाम ने भारत की भौगोलिक और समाज धार्मिक रीति रिवाज में काफी परिवर्तन लाया। तो ये सारी चीजें पूरे मेडिवल में हम लोग समझेंगे। हम लोग देखते हैं, मैप देख लेते हैं कि जब अरब इन्वेजन किए तो पोजीशन अरब के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं कि इंडिया में इन्वेजन, तो ये जो एरिया आपको देख रहे हैं ये वाला एरिया जो है ईरान इराक, ये वाला एरिया है, इस्लाम का उदय यहीं पे हुआ इस वाले पूरे एरिया में। तो यहाँ पे तुर्की था, ठीक है, यहाँ इराक है, ईरान है, फिर सीरिया, लेबनान, ये सारी चीजें हैं। तो ये यहां से जो है इस्लाम का उदय यहां हुआ, यहां के बाद वो जो धीरे धीरे इंडिया में इंटर किए, यहां से इंडिया है। तो सबसे पहले वो लोग सिंध जो क्षेत्र है इस समय पाकिस्तान के अंडर में है, यहां से उन लोगों ने इंटर किया और फिर यहां के कई काफी बड़े भूभाग पे उन्होंने कब्जा किया। धीरे धीरे उन्होंने कब्जा किया, करते करते फिर ये इन सब जगहों पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। अरब इन्वेजन के समय भारत में ऐसा था, ये पोजीशन थी, छोटी छोटी डायनेस्टियां इस तरह की थी। तो 700 एडी के बाद की बात है कि इस्लाम, उसी समय इस्लाम का उदय हुआ था, उसके समय भारत की स्थिति ये थी। फिर बाद में हम देखेंगे भारत की हमारी क्या स्थिति हुई इस्लाम के इन्वेजन के बाद। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस्लाम के आने से पहले जो है भारत की क्या स्थिति थी। तो यहां पे क्या, राजपूत रोज टू द पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इन 89th 800 ईस्वी के आसपास, 9वीं ईस्वी, 800 से लेकर 900 के बीच की बात कर रहे हैं, तो 9th एडी कहते हैं हम लोग, एक एडवांस है। एंड 10th सेंचुरी, 9वीं और 10वीं सेंचुरी में राजपूत एक पॉलिटिकल पावर बन के आए थे। इट इज थॉट दैट दे वेयर ऑफ फॉर्जियन ओरिजिन दैट कम एज कंकोरेंट एंड सेटल इन वेस्ट इंडिया। तो राजपूत के बारे में क्या कहा जाता है कि ये विदेशी थे। इट इज थॉट दैट दे वेयर फॉर्जियन ओरिजिन, विदेशी भूम के थे, और एंड कम टू कंक्वायर इंडिया, और भारत को विजय किया और यहीं पे वेस्ट इंडिया में सेटल हो गया। राजपूत के बारे में ये कहा जाता है। ऑफ ऑल द राजपूत क्लैन, सारे राजपूत जो वंश थे उसमें से फोर क्लैंस, जो चार वंशों के बारे में बात कर रहे हैं। पहला प्रतिहार, उसको प्रतिहार थे या परिहार इनको बोलते हैं, जो कि साउथ राजस्थान में थे, ठीक है। फिर चौहान थे, ईस्ट राजस्थान में थे। फिर चालुक या सोलंकी जो है काठियावाड़ा गुजरात वाले क्षेत्र में थे, ठीक है। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया, एंड चौथा जो है परमार थे जो मालवा में थे, ये भी गुजरात के आसपास का इलाका था। तो क्लेम डिसेंट फ्रॉम द मिथिकल फिगर दैट एरोज आउट ऑफ ए सैक्रिफिशियल फायर पिट नियर माउंट आबू। तो राजपूत लोग ये बताते हैं कि राजपूत की चार शाखाएं थी, चार थे। तो पहला प्रतिहार था, जिसको परिहार भी बोलते हैं, वो साउथ राजस्थान में थे, ठीक है। मैप में यहां हम देखते हैं तो हमारा ये जो क्षेत्र था, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया हमारा सिंध से लगा हुआ ये वाला एरिया था, यहां पे बात कर रहे हैं। तो वेस्ट राजस्थान, ये वेस्ट वाला है, ये वाला ईस्ट है, ये वाला मालवा वाला इलाका है, ठीक है, ये मालवा वाला इलाका है, यहां चालुक्य है, ठीक है, साउथ वाला इलाका। तो कहने का ये मतलब है कि यहां पे आपके जो है
प्रतिहार थे साउथ में, प्रतिहार, फिर आपके चौहान थे ईस्ट वाले क्षेत्र में थे, और चालुक्य थे काठियावाड़ा में थे, और परमार थे जो मालवा क्षेत्र में थे। ये सारे, तो ये सब को कहा गया कि एक, ये सब कहां से आए थे, उन्होंने कहा कि एक अग्निकुंड से ये पैदा हुए थे। ठीक है, ये अग्नि से पैदा हुए लोग थे, जो कि माउंट आबू के नियर, राजस्थान में माउंट आबू है, वहां दिलवाड़ा जैन मंदिर है, दिलवाड़ा माउंट आबू में दिलवाड़ा जगह है, वहां जैन मंदिर है, फेमस जैन मंदिर है वहां पे, माउंट आबू प्रसिद्ध है, हिल स्टेशन है, बहुत अच्छी जगह है, टूरिस्ट प्लेस है। तो राजस्थान में माउंट आबू है, तो वहां दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, वर्ल्ड फेमस जैन मंदिर है। तो ये कहा जाता है कि राजपूत जो है वो हवन से जो है, हवन कुंड से पैदा हुए थे, ऐसा एक मिथिकल है, मिथिकल मतलब एक कहावत है, पौराणिक कहावत है। ठीक है, लेकिन जनरली वास्तविकता में क्या थे, राजपूत विदेशी थे जो इंडिया में आए थे, हूण वगैरह जो शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा था, गुप्ता साम्राज्य को का पतन का मेन कारण भी था, हूणों का आक्रमण था, तो वही लोग, उनकी कई शाखाएं आई थी, तो वही बाद में राजपूत कन्वर्ट होके वो राजपूत हो गए थे। ठीक है, ये चीजें हैं। सो दे आर कार्ड अग्निकुल, इसलिए राजपूतों को क्या है, अग्निकुल के हैं, या फायर फैमिली के हैं, या अग्निकुल के ये लोग वंशज हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ये हवन कुंड से निकले हुए थे। ये कहावत है, वास्तविकता तो नहीं है कि कोई हवन से नहीं पैदा होता, बस एक उनको सिंबोलिक रिप्रेजेंटेशन देने की बात कही गई, तो इसलिए उन्हें अग्निकुल का कहा गया, क्योंकि वो आग से पैदा हुए थे। तो टू मेन क्लैन ऑफ राजपूत, तो राजपूत की दो क्लैन थे, दो उनकी जनजातियां थी, एक सूर्यवंशी, जो सूर्य, एक को सूर्यवंश कहा जाता है, सूर्य फैमिली, दूसरा चंद्रवंश, दूसरे को चंद मून फैमिली कहा जाता है। राजपूत को दो पार्टों में बांटा गया। अब आगे देखते हैं, चंदेला ऑफ बुंदेलखंड बुल्ड के कनरिया महादेव टेंपल एट खजुराहो। तो राजपूतों में जो चंदेल राजा थे, चौहान चंदेल थे, चंदेलों ने बुंदेलखंड इलाका में एक कनरिया महादेव टेंपल बनाया, वर्ल्ड फेमस यूनेस्को हेरिटेज है खजुराहो। ठीक है, खजुराहो जगह है, वहां पे चंदेलों ने ये टेंपल बनाया। जीके में आता है कि हु बिल्ड कनरिया महादेव टेंपल एट खजुराहो, तो उनको चंदेल शासकों ने बनवाया था, ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोलंकी ऑफ गुजरात, गुजरात के जो सोलंकी शासक थे, उन्होंने ही दिलवाड़ा का जो है टेंपल, दिलवाड़ा का टेंपल हमने डिस्कस किया, माउंट आबू में बनवाया था, तो माउंट आबू में जो दिलवाड़ा का टेंपल है उसको सिद्धराज नाम के सोलंकी शासक ने बनवाया था, ये याद रखिएगा जीके पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये मंदिर है। फिर परमार ऑफ मालवा, मालवा के परमार थे, वहां का सबसे बड़ा राजा कौन था, भोज था। ये सब मुगलों के आने से पहले के बारे में हम व्यू देख रहे हैं। तो परमार शासक थे, राजा भोज के काफी फेमस है, परमार राजा था, सबसे फेमस राजा भोज था, उसको कविराज भी बोला जाता था। ही रोट आयुर्वेदास वर्ष, तो उन्होंने आयुर्वेदास वर्ष लिखा भोज ने, जो कि एक दवाइयों पे, मेडिसिन पे था, मेडिसिन का ग्रंथ था, दवाइयों पे ये ग्रंथ था। और उन्होंने एक समरागंतुधर सूत्रधार, ठीक है, समरान तो सूत्रधार, एक दूसरी किताब लिखी। तो राजा भोज ने दो किताबें लिखी, एक आयुर्वेदा वर्ष लिखा, दूसरा समरांध्र सूत्राधार लिखा। ठीक है, तो ये आर्किटेक्ट पे था, वह आर्किटेक्ट मतलब बिल्डिंगों के ऊपर था, घर कैसे बनाए जाते हैं, महल कैसे बनाए जाते थे, उसके ऊपर ये किताब है,
और पहली वाली जो है मेडिसिन पे थी, दवा पे थी। परमार में जो हम परमार राजा थे उसमें की बात की तो उसमें राजा भोज ग्रेटेस्ट थे। फिर दूसरा हमारा जो है चौहान जो थे, चौहान शासक जो थे उसके बारे में है। चौहान कौन थे, जैसे पृथ्वीराज चौहान फेमस है, तो ये कहाँ थे, रूल्ड ओवर साकंबरी, सांभर सांभर जगह है, तो ये लोग साकंबरी में राज करते थे, जैसे वो उनके बारे में हमने बात की, तो ये मालवा क्षेत्र में राज करते थे। ठीक है, ये राजा भोज मालवा क्षेत्र में राज करते थे। तो ये कहाँ पे थे, ये साकंबरी में राज करते थे। तो चौहान में सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन थे, पृथ्वीराज चौहान थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ चौहान पृथ्वीराज चौहान। वासकम, तो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो था। उसको किसने लिखा था, पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट के शासक चंद बरदाई। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था, हु रोट द पृथ्वीराज रासो, तो चंद बरदाई ने लिखा था, उसका कवि था। ये फेमस पॉइंट है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराई हुई थी इनके समय, फर्स्ट बैटल ऑफ तराई बहुत फेमस है। फर्स्ट बैटल, सेकेंड बैटल, थर्ड बैटल, तराइन का जो है तीन युद्ध हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा फर्स्ट बैटल तराई का हुआ था। तो उसमें जो है क्या हुआ था, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की लड़ाई हुई थी। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई, यहीं से जो है मेनली देखा जाए। इसके पहले पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद बिन कासिम ने भी भारत पे आक्रमण किया था, लेकिन वह आक्रमण करके लूटपाट करके भारत से चला गया था। लेकिन मोहम्मद गोरी एक शासक था जो कि भारत में आया और लड़ाई की, लड़ाई करने के बाद भारत के बहुत भूभाग को अपने कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद वहां पर अपने जो है गुलामों को वहां का शासन उनके हाथों में देके वो चला गया था। तो ये चीजें हैं, तो इसीलिए गुलाम वंश की स्थापना हुई जिसे दिल्ली सल्तनत कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी, तो दिल्ली की सल्तनत की नींव यहीं से पड़ी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की लड़ाई हुई, पहला फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ। ये डेट याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है। तो 1119 एडी में जो है ये लड़ाई हुई, 1191 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी की लड़ाई हुई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, मोहम्मद गोरी हार गया था। लेकिन फिर से दूसरी लड़ाई हुई, फिर सेकंड बैटल, एक साल बाद फिर से लड़ाई हुई मोहम्मद गौरी, इसमें मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। तो ये सेकंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान हार गए और यहीं से जो है दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। ठीक है, ये तो मोहम्मद गौरी के आने से पहले राजपूत के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा जानकारी ली। यहाँ पे थोड़ा सा हम सिंध के बारे में देख लेते हैं कि भारत में ये आने से पहले सिंध क्षेत्र में क्या पोजीशन थी। अब हमने शुरू में मैप में दिखाया, ये हमारा सिंध वाला क्षेत्र था मैप में, आप ये देखिए, ये सिंध जो क्षेत्र था यहाँ पर सबसे पहले जो है इस्लाम आया, इस्लाम तो यहीं से एंट्री हुई थी। तो इसके बारे में, क्योंकि ये पूरा अरब वर्ल्ड बोलते हैं, यहां से ईरान से लेके ये तो सिंध ही है, पाकिस्तान वाला पार्ट है, ठीक है, ये तो जल्दी पार है, बाकी ये पूरा अरब वर्ल्ड है, तो यही कहा जाता है। तो उसमें क्या पोजीशन थी, तो यहां पे देखते हैं सिंध में कौन शासन करता था। जब तो सिंध वास रूल्ड बाय दाहिर, एक हिंदू शासक था दाहिर, सिंध में हिंदू शासक दाहिर था, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ऑफ ईरान डिफीटेड दाहिर, दाहिर को जो है मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 में उसको हरा दिया। दिस कंसीडर टू बी द फर्स्ट इन्वेजन ऑफ इंडिया बाय अरब। तो ये जीके पॉइंट आपसे याद रखिएगा कि
भारत में सबसे पहला अरब शासक कौन था जिसने भारत पे अटैक किया था? वो था मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी नहीं था, उसके पहले मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे अटैक किया था। वो जो क्षेत्र हमने मैप में दिखाया था, वहां वहां का शासक उस समय दाहिर था, एक हिंदू शासक था, तो वहां पे मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था, दाहिर को हरा दिया था, ठीक है। और जाने के बाद फिर उसने जो है वहां की बागडोर दाहिर के लड़के को सौंप करके फिर मोहम्मद बिन कासिम चला गया था। दाहिर हारा गया था, लेकिन बाद में उसने जो है वहां का शासन जो है फिर से वो लौटा कि वहां से वो चला गया था मोहम्मद कासिम, वहां पे उसने शासन नहीं किया, लेकिन मोहम्मद गौरी ने जो है वहां का शासन किया, शासन शुरू की। तो इसीलिए क्या बात है, द रियल फाउंडर ऑफ मोहम्मद एम्पायर, मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया वाज द सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी आर मोहम्मद ऑफ गजनी डायनेस्टी। तो ये गजनी डायनेस्टी था, वहां का ये रहने वाला था। तो रियल एम्पायर जो है मोहम्मद गौरी ने जो है मुस्लिम एम्पायर की स्थापना की वो गजनी डायनेस्टी का था, गजनी का रहने वाला था, गजनी शासक का था मोहम्मद गौरी। इट इज ट्रू दैट मोहम्मद बिन कासिम वॉज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया बट ही फेल टू कर्व आउट मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ हिज प्रेमेच्योर डेथ। तो मोहम्मद कासिम, ये कहा जाता है कि मोहम्मद पहला मुस्लिम शासक जो भारत में अटैक किया वह तो मोहम्मद बिन कासिम था, लेकिन वह भारत में एक मुस्लिम एम्पायर या मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने में असफल रहा। क्यों? क्योंकि वह उसकी बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी, प्रीमेच्योर डेथ। मोहम्मद कासिम बहुत जल्दी मर गया था, इसलिए वो आया, अटैक किया, भारत में कई बार अटैक किया, लेकिन वहां पे एक साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाया। मोहम्मद आल्सो फेल्ड टू सेट अ मुस्लिम एम्पायर, सॉरी महमूद, ठीक है, महमूद आल्सो फेल्ड टू सेट अ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया एंड द ओनली परमानेंट इफेक्ट ऑफ हिज इन्वेंशन वॉज द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब इज वाज टू मोहम्मद गौरी टू बिल्ड अप ए मुस्लिम एम्पायर इंडिया ऑन ए सिक्योर फुटिंग। तो यहां कहने का ये मतलब है कि वास्तविक में मोहम्मद गौरी भी भारत में एक बड़ा मुस्लिम एम्पायर स्थापित नहीं कर पाया। ये भी सही है कि मोहम्मद कासिम जैसे नहीं कर पाया था, इसी तरह मोहम्मद गौरी भी नहीं कर पाया था, लेकिन उसका एक परमानेंट इफेक्ट क्या हुआ कि उसने पंजाब को अपने में मिला लिया था। इसके पहले सिंध था, लेकिन उसने पंजाब क्षेत्र को भी अपने में मिला लिया था। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या इज वाज टू मुस्लिम मोहम्मद गौरी टू बिल्ड अप ए मुस्लिम एम्पायर इंडिया ऑन ए सिक्योर फुटिंग। तो कहने में क्या यह ऐसा है कि मोहम्मद गौरी ने एक सिक्योर जगह जो है मुस्लिम एम्पायर की स्थापित कर दी थी, ये क्वेश्चन है। तो उसी का आंसर पाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लेकिन मोहम्मद गौरी के बाद जो है उसके गुलाम ने है मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है यहाँ पे जो है मुस्लिम की वास्तविक संस्थापक तो वही था कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसका गुलाम था, क्योंकि मोहम्मद गौरी जब यहां से लौटा तो उसने जितने भी जीते हुए भारत के जितने भी प्रदेश जीते थे उसको अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को हवाले करके वो चला गया था, ये वास्तविकता थी। तो हम लोगों ने दो मुस्लिम अरब वर्ल्ड के मुस्लिम वर्ल्ड के एक मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा, ठीक है, दूसरा जो है मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा। तो ये दोनों थे जिन्होंने भारत पे अटैक किया, लेकिन दोनों वहां पे टिक नहीं सके, उन्होंने अटैक किया, कुछ चेंजें किया और वो लौट गए, और वो बहुत जल्दी दोनों की मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद गौरी भी रास्ते में भारत से लौटते हुए उसकी मौत हो गई थी। देखिए इसके पहले भी सिकंदर भी आया था, तो सिकंदर भी भारत राज स्थापित नहीं कर पाया था, वह भी लौट गया था। तो लेकिन उसका चेंज काफी पड़ा।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब मोहम्मद गौरी के बारे में समझते हैं क्या है, कैसी सिचुएशन है। मोहम्मद गौरी ही वॉज ए रूलर ऑफ स्मॉल किंगडम इन अफगानिस्तान। तो ये क्या था, अफगानिस्तान का, देखिए मोहम्मद बिन कासिम कहा था, ईरान का था, ठीक है, भारत से पाकिस्तान से लगा हुआ क्षेत्र ईरान का था, लेकिन ये कहां से था, अफगानिस्तान था। ये भी दोनों लगे हुए क्षेत्र हैं, ईरान अफगानिस्तान। आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए कि मैप में एक बार फिर से हम कर देते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र था, ठीक है, ये जो इलाका था ये ईरान वाला इलाका था, ठीक है, ईरान था, यहां से मोहम्मद बिन कासिम आया था, और ये जो इलाका है ये अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान, यहां से मोहम्मद गौरी आया, ठीक है, मोहम्मद गौरी यहां से आया, तुर्किस्तान यहां था, ये सारे जो है तुर्किस्तान था, ये सब तुर्कीज थे, क्योंकि तुर्क साम्राज्य यहां था, इन्हीं का पूरा फैलाव था इधर से इधर तक, इनकी दो शाखाएं कह सकते हैं, सेंटर अथॉरिटी यहां पे थी, इस्लाम की सेंटर अथॉरिटी यहां थी, तो यहां से जो है इस्लाम इस क्षेत्र में, यूरोप में, इस क्षेत्र में हर जगह फैला था। तो सेंट्रल अगर ये इलाका ले लें इस्लाम का, तो उसने फिर यहां से मोहम्मद गौरी इंडिया में एंटर किया, तो ये पूरा पंजाब वाला इलाका भी उसने कब्जा कर लिया था, और ये यहां पे सिंध में मोहम्मद बिन कासिम सिंध से एंटर किया, और इसने जो है यहां से एंटर किया, ये अंतर था, ठीक है। ये यहां से मोहम्मद बिन कासिम यहां से एंटर करके गुजरात के क्षेत्रों की मंदिरों में लूटपाट करके चला जाता था, ऐसे इधर से आता था, लूटपाट करके इस पूरे क्षेत्रों में लूटपाट करके चला जाता था, और ये यहां पे आया, तो यहां पे पृथ्वीराज चौहान थे, दिल्ली के शासक थे, यहां पे लड़ाइयां हुई इनके बीच में। तो कहने का मतलब है ये सारी चीजें हैं, ये समझना है आपको कि मोहम्मद बिन कासिम जो है, कासिम यहां से आया और गौरी यहां से आया, ठीक है, ये गौरी का रूट है, ठीक है, ये कासिम का है, मोहम्मद बिन कासिम का रूट है, ये ईरान वाला क्षेत्र है, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है, ये दोनों थोड़ा सा समझ के रखिए क्या क्या हुआ था इन लोगों के पास। तो मोहम्मद ही वॉज ए रूलर ऑफ स्मॉल किंगडम इन अफगानिस्तान, बट ही वॉज इंटरेस्टेड इन कंक्वायरिंग नॉर्थ इंडिया। वो अफगानिस्तान का शासन था, लेकिन नॉर्थ इंडिया को कब्जा करने में इंटरेस्टेड था, एंड एडिंग इट टू हिज किंगडम, और वह अपने साम्राज्य में इसको मिलाना चाहता था, एंड नॉट मेयरली इन गेटिंग गोल्ड एंड ज्वेलरी लाइक महमूद। हिज फर्स्ट इन्वेजन वॉज डायरेक्ट अगेंस्ट मुल्तान, ठीक है, डायरेक्ट अगेंस्ट इन मुल्तान था, तो यहां पे है कि मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण किया है, फर्स्ट पहली बार कहा उसने मुल्तान पे अटैक किया, और वो भी 1186 में, पृथ्वीराज से 91 और 92 में हुई है, ठीक है, इससे पहले उसने कहां किया था, मुल्तान में अटैक किया था 1186 में, ठीक है, उसके बाद मुल्तान को कब्जा करने के बाद फिर वो दिल्ली की तरफ आया। तो पृथ्वीराज चौहान हु वाज द किंग ऑफ दिल्ली, वॉज किंग ऑफ दिल्ली एट दैट टाइम, रिसीव्ड कंटीजेंट फ्रॉम अदर राजपूत किंग एंड डिफीटेड हिम इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सॉरी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के पहले करा। पृथ्वीराज चौहान जो थे दिल्ली के शासक थे, जब मोहम्मद गौरी ने अटैक किया दिल्ली पे मुल्तान के कब्जा करने के बाद, तो पृथ्वीराज चौहान के साथ उस समय के जो कई राजपूत राजा थे उन लोगों ने पृथ्वीराज का साथ दिया, और सब लोगों ने मिलकर मोहम्मद गौरी से मुकाबला किया, जिसके कारण मोहम्मद गौरी हार गया फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में। लेकिन दूसरे में थोड़ा सा अलग, एक साल बाद स्थिति थोड़ा सा बदल गई, पृथ्वीराज चौहान अकेले हो गए, और फिर उसने जब अटैक किया मोहम्मद गौरी ने तो हार गए, बट मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल ऑफ जब लड़ाई हुई तो उसमें पृथ्वीराज चौहान का साथ देने वाले
राजा नहीं रहे, राजपूत राजा इकट्ठा होके नहीं लड़े, इसके कारण मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। उसके बाद बॉम्बे में लड़ाने के बाद फिर नेक्स्ट है ही डिफीटेड जयचंद गढ़वाल रूलर इन बैटल ऑफ चंदावार। चंदावार में गढ़वाल रूलर थे, जयचंद थे, उनको हराया। ही कैप्चर्ड दिल्ली एंड अजमेर एंड दस लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। तो उसने दिल्ली और अजमेर में कब्जा कर लिया। अब जयचंद और मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान की एक कहानी है कि जयचंद की बेटी थी संयोगिता, तो पृथ्वीराज चौहान से उसका दोनों जो है आपस में प्यार करने लगे थे, जो कि जयचंद को पसंद नहीं था। इसी के कारण जो है जब सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई तो राजपूत या जयचंद जैसे शासकों ने जो है पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया, इससे कारण जो है मोहम्मद गोरी उनको हराया गया। तो जयचंद को एक देशद्रोही जैसा भावना से देखा जाता है, एक गद्दार की भावना से आज भी हमारे इतिहास में जाना जाता है कि अगर जयचंद ने या और राजपूत शासकों ने अगर पृथ्वीराज का साथ दिया होता तो शायद मुस्लिम शासक हमारे ऊपर अधिकार नहीं कर पाते। इसलिए ये बहुत डिफीटिंग पॉइंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे हिस्ट्री का कि अरबों का भारत में कब्जा करने में कहीं न कहीं राजपूतों की एकता का अभाव था। राजपूत एक नहीं हो पाए उस समय क्योंकि वो नॉर्थ इंडिया पे उन्हीं का शासन था, नॉर्थ इंडिया में वही थे। अगर वो एकत्रित होके उनका सामना करते तो अरब यहां पे अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाते। तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद अजमेर और दिल्ली पे कब्जा करके और वहां पे मुस्लिम शासन की स्थापना की। देखिए बॉम्बे में अटैक किया, 14 साल बाद ही डाइड इन 80 लिविंग और 1206 तक उसने उसके कब्जे में रहा और वो मर गया, लिविंग कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ही स्लेव द चार्ज ऑफ एम्पायर और उन मरने से पहले वो अपने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपने उसका जो दास था उसको जो है एम्पायर का भारत में जीते हुए पूरे शासन का चार्ज देके चला गया था। वैसे वो चला गया था, यहाँ पे वो था नहीं, उसने वो पहले ही देके चला गया था। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अब दिल्ली सल्तनत की हम लोगों ने एक बैकग्राउंड सेट कर दिया हिस्ट्री का, दिल्ली सल्तनत का हमने बैकग्राउंड सेट कर दिया कि क्या स्थिति थी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, राजपूत। तो तीन फिगर यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है, आप शुरुआत में दाहिर के बारे में भी डिस्कस किया। तो ये दाहिर, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, राजपूत राजा जिसमें पृथ्वीराज चौहान और जयचंद का नाम आता है, तो ये चार पांच नाम जो है आपको याद रखिए, इनको समझ के रखिए। तो दिल्ली सल्तनत शुरू होने से पहले ये सारे भारत की हमारी स्थिति, नॉर्थ इंडिया की स्थिति, वहां पे क्या इंटरेक्शन हो रहे थे, तो ये सारी चीजें दिमाग में रख के कि क्या बैकग्राउंड था दिल्ली सल्तनत की स्थापना होने का, क्या बैकग्राउंड था, तो भारत की उस समय स्थिति क्या थी जिसके कारण चीजें हुई। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में हम आगे देखेंगे।